हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर लबाबदार। इसे आज हम रेस्टोरेंट शैल में बनाएंगे। जब हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अक्सर हम इस पनीर लबाबदार को मंगवाते हैं, तो घर पर ही हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे आज। तो चलिए इस क्विक सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पनीर लबाबदार की सब्जी बनाना। आज हम रेस्टोरेंट से भी अच्छी घर पर बनाएंगे पनीर लबाबदार। तो चलिए इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है। आप जिस बर्तन में बनाना चाहें बना सकते हैं। 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल के डाले हैं। कुकिंग ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो मैंने इसमें 1/2 चम्मच जीरे का डाला है। इसके बाद कुछ खड़े मसाले, 3 लौंग और 4-5 काली मिर्च वो डाली है। इसको भी हल्का सा तेल में हम भून लेंगे। इसके बाद मैंने 3 बड़े टमाटर, उसको ऐसे रफली पीसेस में मैंने कट कर लिया था, वो ऐड कर रही हूँ। 3 हरी मिर्च, इसको भी मैंने ऐसे बड़े बड़े पीसेस में काट लिया था, वो हम डाल रही हूँ। इसको हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। अब मैं इसमें 10-12 काजू डाल रही हूँ। पनीर लबाबदार में काजू डालना बहुत ही ज़रूरी है, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें 2 चम्मच जो है मैं खरबूजे के बीज वो ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी बीज ऐड कर सकते हैं, जैसे खरबूजे या तरबूज के, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं ग्रेवी के अंदर हमें। 2 चम्मच मैंने खरबूजे के बीज ऐड करे हैं। इसको अब टमाटर को मैं सॉफ्ट होने तक, जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं होते जब तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर ऐसे बीच में हिलाते हुए चलाते जाएंगे। अब मैं इसको ढक रही हूँ एक लीड से, और बीच में 5 मिनट होने के बाद मैं इसमें चेक करूँगी कि हमारे जो टमाटर हैं वो कितने पक गए हैं। हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो टमाटर हैं वो कितने पक गए हैं। गैस को बिल्कुल सिम कर दिया है, लीड को हटाकर एक तरफ। हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं। पर इसमें अभी थोड़ी सी कसर और बाकी है, तो मैं इसे 5 मिनट के लिए ढककर और पकाऊंगी। इसे मैं मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। 5 मिनट में बाद हम दोबारा चेक करेंगे। हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे जो टमाटर हैं वो कितने पक गए हैं। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर दिया है, लीड को एक तरफ। आप देख सकते हैं हमारे जो टमाटर हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, और जो काजू हमने डाले थे इसमें और बीज डाले थे वो भी अच्छे से भुन गए हैं इसमें। आप इसमें अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज भी डाल सकते हैं। जैसे आपने इसके टमाटर के बड़े बड़े पीस करे थे, ऐसे ही आप प्याज के बड़े बड़े पीस कर दें, और उसको भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का हल्का फ्राई करके इसके साथ ही मिक्स करके आप उसका ही पेस्ट बना सकते हैं। पर मैंने इसमें आज प्याज ऐड नहीं करा है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसको ठंडा होने के लिए प्लेट आउट कर रही हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको एक मिक्सी ग्राइंडर में चलाकर पीस लेंगे। जो हमने टमाटर का ठंडा होने के लिए रखा था भून के, उसका हमने ऐसे मिक्सी ग्राइंडर में पेस्ट बना दिया है। अब आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। अब पनीर लबाबदार बनाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन हमारा गजब गर्म हो जाए तो इसमें मैं बटर ऐड कर रही हूँ। बटर हमारा उड़े नहीं, इसके लिए मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम खाली बटर डालते हैं तो वो जल्दी उड़ जाता है। जब हमारा ये अच्छे से गर्म हो जाए, तब मैं इसमें कसूरी मेथी, इसे ऐसे क्रश करके डालूंगी, और इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। उसके बाद जो हमने ग्रेवी बनाकर रखी थी वो इसमें ऐड कर दूंगी, जो पेस्ट बना के रखा था हमने टमाटर का। अब मैं इसे लाल मिर्च पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। आप ध्यान से ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपने हरी मिर्च भी पहले ऐड करी हुई है। अब मैं इसमें, यहाँ पे मैंने घर की मलाई ली है, वो ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास मलाई अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छे से चला लूँगी मैं, जिससे हमारी जो मलाई है वो अच्छे से पेस्ट में मिक्स हो जाए। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही करना है,
अब इसके बाद मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है, उसको ऐसे कद्दूकस कर लिया है, वो इसमें ऐड करूँगी। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे भी अच्छा सा मिक्स कर लूँगी मैं। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक आप अकॉर्डिंग टेस्ट ऐड करिएगा। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे ढककर, इससे हमारे जो ग्रेवी में अच्छे से मलाई और जो हमने पनीर डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, 2-3 मिनट तक ढककर इसे पकने दूँगी। 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो ग्रेवी है वो कैसी बनी है। गैस को बिल्कुल स्लो कर लिया है, लीड को एक तरफ। आप देख सकते हैं हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से सब चीज़ों में मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये मैंने आधे से थोड़ा सा कम पानी ऐड किया है और इसके बाद मैं यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती को बारीक बारीक काट के रख लिया था, वो ऐड कर रही हूँ। इसे डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट ही बहुत ही अच्छा आता है इसे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे 200 ग्राम के करीब पनीर लिया था, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐसे मैंने पीसीस में कट कर लिया था, आप इसमें कोई भी शेप कट करके डाल सकते हैं। इसको बहुत ही हल्के हल्के हाथ से ग्रेवी में मिक्स कर देंगे और ये पनीर हमारा ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके लिए मैं लीड लगाकर इसको 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम लीड हटाकर देख लेते हैं कि हमारी सब्जी है वो कितनी पक गई है। गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया है, लीड को एक तरफ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है इसमें से। वैसे हमारी सब्जी है वो ऑलमोस्ट बन चुकी है, पर इसमें अब मैं लास्ट में सबसे आधा चम्मच जो है चीनी का ऐड कर रही हूँ। ये कंपलसरी नहीं है पर इसे डालने से ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसे भी मिक्स कर दूँगी। चीनी हमारी सब चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके लिए मैं ढककर फिर से लीड लगाकर 2 मिनट के लिए और पकाऊंगी सब्जी को। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम सब्जी को चेक कर लेते हैं हमारी जो सब्जी है वो कैसी बनी है। गैस का फ्लेम कम, लीड इधर रख दी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्जी बनकर आई है, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है इसमें से। अब मैं गैस का फ्लेम जो है बंद कर रही हूँ और इसे प्लेट आउट कर रही हूँ। पनीर लबाबदार की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है देखने में, ये खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है और आज हमने इसको रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया है। इसे आप किसी के साथ भी बनाकर खा सकते हैं, जैसे चावल, रोटी, पराठा या नान, किसी के साथ भी। जब आपके घर में अचानक कोई मेहमान आ जाए तब भी आप इस सब्जी को बनाकर आराम से इंजॉय कर सकते हैं। पनीर लबाबदार की सब्जी को एक बार आप बनाकर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये सब्जी कैसे बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।